वेलकम टू स्वातिस्तान। मैं स्वाति कामत आज आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ हाका नूडल्स की रेसिपी। बट इसमें मैंने एक छोटा सा ट्विस्ट दिया है, ये हम बनाएंगे हॉट एंड स्पाइसी फ्लेवर के साथ। अब हॉट एंड स्पाइसी का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होगी, बट एक फ्लेवर आपको आएगा वो जब आप ये नूडल्स ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब चलिए आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पेस्ट। इसके लिए आपको यहाँ पे इनको भिगो देना है कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए गर्म पानी में। फिर इनको ब्लेंड करना है थोड़ा सा पानी डाल के। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आपको ब्लेंड करना है, बाकी और कुछ भी नहीं डालना है। इससे इनका कलर अच्छा आएगा और वो जो हॉट फ्लेवर है ना, हॉट एंड स्पाइसी वाला, वो इसमें आएगा। अब नेक्स्ट हमको यहाँ पे नूडल्स को बॉईल करना है हाई फ्लेम पे, साथ में नमक और 1 चम्मच तेल का भी डालना है। जब ये बॉईल होने लग जाए तो आपको फोक की मदद से इस तरीके से नूडल्स को सेपरेट करना है। और यहाँ पे हमको नूडल्स को 90% तक ही कुक करना है। जब नूडल्स 90% तक कुक हो जाए तो आप इनको निकाल के ठंडे पानी से वॉश कर लें। अब नेक्स्ट हम बनाते हैं हमारी सारी सॉसेस का मिक्सचर, जिसमें 1 चम्मच रेड चिली सॉस लेनी है, 2 चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 1 चम्मच टमाटो केचप इन फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए, 2 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच विनेगर, और इनको अच्छे से मिक्स करना है। तो मिक्सचर भी रेडी है, अब चलते हैं मेन प्रोसेस में। तो सबसे पहले आपको कढ़ाई में 4 से 5 चम्मच तेल डालना है, हाई फ्लेम पे इसको गर्म करना है। फिर इसमें 2 चम्मच लहसुन डालना है, ये रेड चिली का पेस्ट डालना है, साथ में प्याज, 1 कप पत्ता गोभी, 1 गाजर। इनको आपको 30 सेकंड के लिए ऐसे ही पकाना है लगातार चलाते हुए। हमको यहाँ पे अब फ्लेम हाई रखनी है। फिर इसमें 1 शिमला मिर्च डालनी है, 2 हरी मिर्च जिनको मैंने इसी तरीके से बीच में से कट किया है। इसको भी आपको 30 सेकंड के लिए और कुक करना है। 30 सेकंड बाद ये बॉईल किए हुए नूडल्स डालने हैं, ये सारे सॉसेस का मिक्सचर डालना है। प्रोसेस सारा जल्दी जल्दी होता है तो इसलिए मिक्सचर आप पहले बना के रखें तो ज़्यादा ईजी रहता है। फिर इसमें हमको डालना है नमक और काली मिर्च पाउडर, और इसको इसी तरीके से 2 चम्मचों की मदद से आपको मिक्स करना है। ऐसे करने से ये इजी रहता है और फ्लेम हाई रखनी है। तो इसको मिक्स करने के बाद आखिर में हरी प्याज का ग्रीन पोर्शन डालना है और एक बार और अच्छे से मिक्स कर देना है। और बस हमारी ये हॉट एंड स्पाइसी हाका नूडल्स एकदम रेडी हैं। फ्लेम को इस पॉइंट में आप बंद कर सकते हैं। अब चलिए इसको अच्छे से हम सर्व करते हैं। यहाँ पे आपको बस इसको बनाते वक्त यही ध्यान रखना है कि वेजेस का जो क्रंच है वो जाना नहीं चाहिए, फ्लेम हाई रखनी है, और जो ये हमने रेड चिली पेस्ट बनाया है इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है वरना कड़वापन आ जाएगा। तो अब आप इनको आराम से बना सकते हैं। नूडल्स बॉईल करते वक्त ध्यान रखना है कि 90% तक ही बॉईल करने हैं, ओवर बॉईल नहीं होने चाहिए। एंजॉय। सो ये है मेरी हॉट एंड स्पाइसी हाका नूडल्स की रेसिपी। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो, आपको नई रेसिपी सीखने को मिली हो, तो मुझको कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से कर लें, और सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।